ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन को लेकर लंबे समय से खबरें आ रही हैं कि उनके और अभिषेक बच्चन के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। दोनों के तलाक लेने की अफवाहें भी सामने आ चुकी हैं। इसी बीच ऐश्वर्या राय अपने ससुराल यानी अमिताभ बच्चन के घर जलसा पहुंची। इस दौरान उनकी बेटी आराध्या भी उनके साथ दिखाई दी। कई महीनों बाद ऐश्वर्या को ससुराल में देख फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि बच्चन फैमिली में अब सब कुछ ठीक है। दीपिका पादुकोण ने अपने प्रेगनेंसी फोटो शूट की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। एक्ट्रेस ने मंडे शाम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 14 फोटो शेयर किए हैं। उनके साथ उनके हस्बैंड रणवीर सिंह भी नजर आ रहे हैं। इन फोटोज को शेयर करते हुए दीपिका ने एक तरह से उन लोगों को भी जवाब दे दिया है जो उनकी प्रेगनेंसी को फेक बता रहे थे। रिपोर्ट्स में एक्ट्रेस की डिलीवरी की डेट 28 सितंबर बताई जा रही है। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने रेसलर विनेश फोगाट से वीडियो कॉल पर बात की है। दोनों की वीडियो कॉल पर बातचीत करते हुए कुछ तस्वीरें हाल ही में सामने आई हैं और सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इस कॉल के दौरान आमिर ने विनेश को उनके ओलंपिक 2024 के सफर पर बधाई दी। विनेश भी आमिर के स्वीट जेस्चर से काफी खुश नजर आई। दोनों की बातचीत के बाद फैंस ने ये कयास लगाना शुरू कर दिया है कि जल्द दंगल 2 फिल्म पर काम शुरू होने वाला है। सलमान खान इन दिनों नर्व इंजरी के बावजूद अपकमिंग फिल्म सिकंदर की शूटिंग कर रहे हैं। हाल ही में फिल्म के सेट से सलमान और प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला की एक नई तस्वीर सामने आई है। मेकर्स इन दिनों फिल्म का 45 दिनों का एक शेड्यूल शूट कर रहे हैं। इसके आगे की शूटिंग हैदराबाद के एक महल में की जाएगी। सिकंदर में सलमान के अपोजिट पहली बार साउथ की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना नजर आएंगी। यह फिल्म अगले साल ईद पर रिलीज होगी। स्त्री 2 को बॉक्स ऑफिस से हिलाना मुश्किल लग रहा है। फिल्म रिलीज के पहले दिन से टिकट काउंटर पर ऐसा कब्जा जमाए हुए बैठी है कि कोई फिल्म उसके आगे टिक नहीं पा रही। इस हॉरर कॉमेडी के साथ थिएटर्स में अक्षय कुमार की खेल खेल में और जॉन अब्राहम की वेदा भी रिलीज हुई थी, लेकिन ये दोनों ही फिल्में स्त्री 2 के आगे बेदम साबित हुई हैं। इन सबके बीच स्त्री 2 को बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाते हुए 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं और इस दौरान इसने अपनी लागत से भी ज्यादा कमाई कर ली है। वहीं तीसरे हफ्ते में भी इसका कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। कनाडा में पंजाब की फेमस सिंगर अमृतपाल सिंह ढिल्लों उर्फ एपी ढिल्लों के घर पर फायरिंग की गई। घटना रविवार रात की है खबर है और इसके वीडियो अब सामने आए हैं। वायरल वीडियो के अनुसार एक शूटर ने गेट के बाहर से 11 गोलियां चलाई। उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है। गैंग के गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डाली है। बता दें कि 9 अगस्त को सिंगर एपी ढिल्लों का बॉलीवुड स्टार सलमान के साथ गाना ओल्ड मनी रिलीज हुआ था। फायरिंग को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में हेमा कमेटी की रिपोर्ट आई है जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। इस रिपोर्ट में इंडस्ट्री में हो रहे औरतों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट और कास्टिंग काउच जैसे गंभीर मामलों का खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट के बाद फिर से सवाल उठाए जाने लगे हैं कि #MeToo मूवमेंट से आखिर क्या बदला। #MeToo मूवमेंट के दौरान खुलकर बोलने वाली सिंगर कंपोजर सोना महापात्रा और एक्ट्रेस आना कुमरा ने इस रिपोर्ट पर अपना रिएक्शन दिया है। दोनों ने बॉलीवुड में मीटू के आरोपियों के खिलाफ कोई सख्त कदम ना उठाने पर नाराजगी जताई है। अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 पर काम चल रहा है। सोर्सेस की माने तो यह फिल्म पहले पार्ट से कनेक्टेड नहीं है। इस पार्ट में पूरी तरह एक अलग कहानी देखने को मिलेगी। रिपोर्ट्स की माने तो एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। इसमें बिहार और पंजाब के डॉन के बीच गैंग वॉर का प्लॉट है। बिहारी डॉन के रोल में रवि किशन और संजय मिश्रा हैं। सनी लियोनी अपनी अदाओं से फैंस को दीवाना बनाती रहती हैं। एक्ट्रेस को एक इवेंट के दौरान स्पॉट किया गया जहां पर सनी लियोनी व्हाइट पैंट सूट में नजर आई। सनी लियोनी ने अपनी स्टाइलिश अंदाज से पूरी लाइमलाइट चुरा ली। वरुण धवन की भतीजी अंजनी धवन अपनी बॉलीवुड डेब्यू को लेकर लाइमलाइट में है। बिन्नी एंड फैमिली फिल्म के साथ अंजनी पंकज कपूर और राजेश कुमार के साथ स्क्रीन शेयर कर रही है। इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान पूरी कास्ट को मुंबई में स्पॉट किया गया। शाहिद कपूर की वाइफ मीरा राजपूत एक्ट्रेस तो नहीं है, लेकिन किसी एक्ट्रेस से कम भी नहीं है। मीरा राजपूत मुंबई में एक सलून के बाहर स्पॉट हुई। यहाँ एक्ट्रेस कैजुअल लुक में कूल फैशन गोल्स देती हुई दिखी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।